भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको भगवान शिव जी के परम प्रिय महीने श्रावण महीने की अध्याय 2 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कल हमने आपको अध्याय 1 की कथा सुनाई थी। उसमें सनत कुमारों ने भगवान महादेव जी से प्रश्न किया था कि आपको श्रावण का महीना इतना अत्यधिक प्रिय क्यों है। उसी का जवाब देते हुए भगवान शंकर यानी ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने बहुत उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र है, गुणी है, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अडग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो प्रश्न किया है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ में मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा। आप किसी से भी द्वेष न करने वाले, आप जो है सबके परम प्रिय है। और जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है वह सबका प्रिय होता है। और आप उसी प्रकार के विनम्र है, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, फिर भी आपने कभी भी मुझसे द्वेष नहीं किया है। और उस द्वेष भाव का परित्याग करते हुए आप मेरी शरण में को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण माह में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे, यानी सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत करे। और पूरे महीने भर प्रतिदिन यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक जरूर करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों और तुलसी जी की मंजरी तथा तुलसी जी के दलों और बिलपत्र से शिव जी का अर्चन करना चाहिए। इसमें यदि संभव हो तो 1,00,000 की संख्या में भगवान शिव को ये वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए। 1,00,000,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक भोजन करवाना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत तथा उपवास अवश्य करना चाहिए। इस सावन के महीने में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत गुना फलदायी होता है। हे महामुने, सावन के महीने में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, यानी चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और सत्य वचन धारण करना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए। पत्तल के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक सब्जी का यानी हरी सब्जी का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर के मनुष्य को किसी ना किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस महीने में वैसे तो बहुत सारे व्रत होते हैं, लेकिन सभी व्रतों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर के मनुष्यों को एकाग्र मन से किए गए पूजा पाठ से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस माह में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। यदि आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं और उस मंत्र का पुरुष चरण करना चाहते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का पुरुष चरण 24,00,000 का होता है, उसी प्रकार श्री महामृत्युंजय मंत्र का पुरुष चरण 1,25,00,000 का होता है। यदि सावन के महीने में इन मंत्रों का पुरुष चरण किया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सावन के महीने में शिव जी के षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें,
या अन्य कोई भी मंत्र जाप करे तो वह सिद्ध हो जाएगा। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण इस महीने में करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक से अधिक फल देने वाला है। इस श्रावण माह में किया गया ग्रह यज्ञ कोटि होम यानी करोड़ों यज्ञ के समान लक्ष होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल को प्रदान करता है। जो मनुष्य इस श्रावण के महीने में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। भगवान कहते हैं कि यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह श्रावण का महीना सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। भगवान महादेव कहते हैं कि हे सत्तम, इस सावन के महीने में जो व्रत तथा धर्म है वह मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल को प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे महामुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों को आप श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुम्बर नामक व्रत किया जाता है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत किया जाता है। इसी प्रकार श्रावण की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हे महामुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। इसमें नागों का पूजन करके विशेष रूप से उनको दूध अर्पण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रोरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार है। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण का महीना परम पवित्र महीना होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कहा गया है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए किया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को करना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णा अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ में इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन अर्चन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से
लेकर के सब तिथियों के पृथक पृथक देवता कहे गए हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी और चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणपति माने गए हैं। पंचमी तिथि के देवता नाग देवता माने गए हैं और षष्ठी तिथि के देवता भगवान कार्तिक स्वामी माने गए हैं। सप्तमी तिथि के देवता भगवान प्रत्यक्ष सूर्य नारायण और अष्टमी तिथि के देवता भगवान शिव माने गए हैं। नवमी तिथि की देवी देवी दुर्गा, दशमी तिथि के देवता यमराज और एकादशी तिथि के देवता विश्व देवा कहे गए हैं। द्वादशी के भगवान विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव और चतुर्दशी तिथि के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर माने जाते हैं। ये सब तिथियों के अलग अलग देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा अर्चना और उनकी आराधना करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त मुनि का यानी अगस्त तारे का उदय होता है। हे महामुने, मैं उस काल को बता रहा हूं, आप एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त के तारे का यानी अगस्त मुनि का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ देना आरंभ करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण माह में सूर्य गभस्ती नाम वाले हो करके इस पृथ्वी पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं यानी पृथ्वी को तपाते हैं। श्रावण के महीने में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण के महीने में हरी सब्जी या साग का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा भादों के महीने में दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आश्विन महीने में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण के महीने में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है जो 4 महीने में उसको परित्याग करने पर मिलता है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। मेरी अथवा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णुस्य हृदयम् शिवः। जो लोग भेद करते हैं वे नरक गामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावणोद्देश कथन नामक द्वितीय अध्याय सदा शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप श्रावण माह की कथा के निमित्त या श्रावण माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कोई पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं,
तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा तथा नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अथवा अकाउंट नंबर से भेज करके श्रावण महीने का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।